विदिशा जिला मुख्यालय के सिविलाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाजीवली तालाब में 15,14,000 रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया गया कि हर्ष श्रीवास्तव नामक युवा को ऑनलाइन रूप से किसी प्रकार का कोई गिफ्ट भेजा गया था, जो रिसीव ना होने और वापस भेजने के संबंध में भेजने वाली व्यक्ति ने बातों में उलझाकर उससे बड़ा अमाउंट ठग लिया। इस बात की शिकायत सिविल लाइन थाने में आवेदन के रूप में की गई। पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे का कहना है कि कल रात को एक आवेदन थाने में आया है, मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बिंदु ऐसे हैं जो अभी समझ के परे हैं, कई चीजें समझना और पूछना बाकी है। फिलहाल आरटीजीएस के तहत 15,14,000 की जो राशि आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर की गई है, वह ऑनलाइन ठगी के रूप में मानी जा सकती है। मामले की जाँच की जा रही है। हैदराबाद के दिखा रहा है, हैदराबाद का है। क्या व्यक्ति लोग समझा गए पूरा लगू कर लो ये। कल एक शिकायत सिविल लाइन थाने में शाम को आवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है एक बच्चा है एक आवेदक का, उन्होंने बताया कि उसका फोन आया था कि आपका कोई पार्सल है जो आया है, अब इस नंबर पर फ़ोन करके पार्सल ले लो। तो उसने कहा कि पार्सल नहीं आया है, तो उसके बाद फिर उसने उसने बताया कि उसने कहा कि आप पार्सल नहीं आए तो इस नंबर पे कैंसिल करा दो। तो उस कैंसिल करने के लिए फ़ोन किया होगा, तो उन लोगों ने फिर किस कुछ बातों में उलझा के फिर उसके बाद उससे कहा कि तुम व्हाट्सएप पर रहोगे, फिर धमका के बहुत सारी बातें समझ में भी नहीं आ रही है कि आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं वो, कि उसकी जो बात है वो कह रहा है कि धमकाया डराया, फिर उनसे आरटीजीएस चेक लिया, फिर उसके बाद आरटीजीएस करके बच्चे ने उसको 15 लाख रुपए सेंड कर दिया, ऐसा इनका कहना है। तो कल जांच शुरू कर दी गई है और हम लोग एनसीआरटी पोर्टल पे भी इसको दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा थाने से भी जांच हो रही है कि वो पैसा किस प्रकार से हुआ है, और इसमें थोड़ा सा अभी कुछ चीज़ें और खुलासा होना शेष है, क्योंकि इस टाइप से बता रहे हैं थोड़ा सा बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर पार्सल वापसी की बात थी तो 15 लाख रुपये देने की आवश्यकता क्या थी, वो भी आरटीजीएस करके दिए इन्होंने, ऐसा नहीं हुआ है कि इनको लिंक देके किसी ने इनके अकाउंट से पैसा ड्रेन किया हो। तो इसको पूछताछ अच्छे से करके और फिर उसके हिसाब से हम लोग उसमें कार जांच करके कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरीके से ऑनलाइन ठगी हो रही तो आम जनता को अपन किस तरीके से व्यवहार, निश्चित तौर पर लगातार मैं तो पर्सनली अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगातार मैं इस प्रकार की जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस लगातार मैं जारी करता हूँ इसमें, और हम लोग सभी गाइडलाइन के माध्यम से डिफरेंट माध्यमों से लगातार हम लोगों करते रहते हैं। रिसेंटली अभी हमारे पास जैसे थाने में बुजुर्ग आए थे, ऑफिस में आते रहते हैं लोग, तो हम लोग लगातार गाइड करते रहते हैं। थोड़ा सा समझना चाहिए लोगों को, फोन पे कोई भी एक्टिविटी ना करें, खासकर ये समझ लें कि फोन के माध्यम से पैसे मांगने में बिल्कुल पैसा ना दें, और अगर थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा विचार कर लेंगे, थोड़ा सा किसी से पूछ लेंगे तो बच जाएंगे। अगर किसी प्रकार का आता है, हम लोग सबके फोन चालू हैं, हम लोग सब अवेलेबल है, किसी भी थाना चौकी में आप बात करोगे तो बता देगा और आप फ्रॉड से बच जाएंगे और वो भी पकड़ जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना या लालच में आकर निर्णय लेना या डर जाना, ये उचित नहीं है। डंडापुरा स्थित बालाजी एनक्लेव के रहवासी जल भराव की स्थिति से परेशान होकर सांकेतिक धरना दे रहे थे। सूचना मिलते ही नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा मौके पर पहुंचे और समस्या को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया और रहवासियों को समझाइश देने के बाद उनका सांकेतिक धरना खत्म कराया गया। जितने भी लोग हैं जिनके पानी नहीं आ रहा है और जिनके बिल आया वो मेरे पास भिजवा दें, अपन उसको सब माफ करवा दें, है कि मेरे संज्ञान में ज्ञान है कौन कौन से बिल है और जो नहीं है पार्षद जी के माध्यम से आप मेरे। इनकी एक ये छोटे से रोड की समस्या है, जिसका तो टेंडर हम पहले ही लगवा चुके थे लेकिन इसमें किसी ठेकेदार ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वो रीटेंडर होना है उसको दोबारा। अभी सीएमओ साहब का ट्रांसफर हो गया, जो नए सीएमओ ज्वाइन करेंगे तो उसका टेंडर लगवा देंगे,
और ये 10-15 दिन का ही टेंडर लगा देंगे ताकि जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि सीसी है तो बारिश में ही इसका काम लग जाएगा। कोई लोगों का ये भी कहना कि यहाँ पर नल लगे हुए हैं लेकिन बिल आ रहा है, उसको भी मैं दिखवा लूँगा अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर आपने कोई नल कट गया है या नल अपने आप बंद हो गया है और आपने जाके नगर पालिका में जाके उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो वो बिल चालू रहता है, क्योंकि नगर पालिका को कैसे पता चलेगा कि इनके नल नहीं आ रहा है। अगर आपके नल में पानी नहीं आ रहा है या नल किसी वजह से कट गया है तो आप जाके वहाँ पे लिखित में एक इन्फॉर्मेशन दें कि हमारा नल में पानी नहीं आ रहा है या नल कटा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिल वहाँ पे चालू रहेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको दिखवा लेंगे कि बिल माफ कर। नाम है मैं संजीव जैन, बालाजी नगर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। और अभी बरसात का जब मौसम आया था तो हमारे 2-3 बच्चे अभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, यहाँ पर गाड़ियाँ निकल नहीं पाती यहाँ से, और कोई बीमार दुखी होगा तो वो निकल नहीं पाता बरसात में, या निकलेगा तो वो कितनी गंदगी में निकलेगा कि वो पूरी तरीके से दोबारा नहाना पड़ेगा। मंदिर जाने वाली महिलाएँ सबसे ज़्यादा त्रस्त रहती हैं यहाँ से, और हमारे बच्चे लोग बार बार हमें उलाना देते हैं कि आप एक सड़क नहीं बन पा रहे, आप समस्या क्या पूरी करो। तो आज हमारे बालाजी सोसाइटी के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, और जब तक अभी 3 घंटे का जरूर धरना है, इसके बाद भी हम लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को देते हैं, हम शीघ्र ही इसके निराकरण की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। ताजी और सच्ची खबरों के लिए हर पल हरदम मयूर न्यूज आपके साथ है। अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।